बढ़िया बढ़िया सर, सर, आप कैसे? आप बस बताइए। ऑल कुछ गुड। भी नहीं, तो कैसा रहा वीकेंड आप सबका? बढ़िया रहा सर। हम बढ़िया रहा लोगों ने जी सर। डिस्क्रिप्शन पे काफी रिसर्च करी, पूरे वीकेंड में जो है किस किस तरह के डिस्क्रिप्शन होने चाहिए। जी अच्छा, काफी रिसर्च करी किसने? आपने रिसर्च की निशित जी? सर, चलो दैट्स ग्रेट। मतलब मुझे लग रहा है कि सब एक सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, एकदम परफेक्ट। सचिन जी कैसे हैं आप? जी सर मैं ठीक हूँ आज सर, वीकेंड में बढ़िया। थोड़ा। चलिए फिर, कैसा रहा आपने वीकेंड में, क्या किया? सर वीकेंड में एक्चुअली मैं तबीयत ठीक नहीं थी सर, सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं डॉक्टर के पास ही था। ओहो, अब कैसे हैं ये बताइए। नहीं अभी, हाँ सर कल मतलब रात से ठीक हूँ सर। चलिए बिल्कुल, आप अपना ध्यान रखिए। अभी वो फीवर बहुत तरह के, डिफरेंट डिफरेंट तरह के जी फैल सर, रहे हैं। हाँ फीवर से ही डाउन था सर मैं। हाँ 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 सर अरियन जी कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? बस ऑल गुड ऑल गुड। आपने क्या कुछ प्रैक्टिस की? हाँ सर प्रैक्टिस चल रही है, मैं थोड़ा सा वही देख रहा था। मैंने अपने कीवर्ड्स पे ना रिसर्च किया था कि क्या कौन कौन बात। रैंक कर रहा है और कैसे कैसे डिस्क्रिप्शंस हैं, और फिर उनकी वेबसाइट को इंस्पेक्ट करा मैंने कि अंदर ओके, तो उन्होंने कैसे कैसे क्या लिख रखा है सब चीजों को। क्या लगा, कुछ कमियां लगी या कुछ लगा कि हम अपने आप को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं? कुछ ऑप्टिमाइजेशंस कुछ समझ में आया आपको? हाँ सर काफी कुछ मैंने नोटिस किया है कि मुझे करना चाहिए अपनी वेबसाइट पे, और बाकी आगे जब बढ़ेंगे तो मुझे बैक लिंकिंग में मेन काफी ज्यादा डाउट है, लिंक बिल्डिंग में, तो वो जैसे सब जैसे सब कोर्स क्लियर बढ़ेगा। करूंगा, एक एक चीज ऐसी क्लियर करूंगा कि इसके बाद अगर आपसे कोई, मतलब बाद में 2 साल बाद भी अगर आप SEO से जुड़े रहेंगे और उसको अपडेट करते रहेंगे, तो कोई भी पूछेगा ना बेस, तो हाँ जी बेस हाँ का आंसर आपके पास ऐसा दिमाग में घुसा हुआ होगा कि आप अपनी सारी SEO स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। ठीक हाँ जी हाँ जी है, आज जो विपिन जी नहीं आए हैं। सर, वीकेंड में मैंने ये भी किया जो आर्यन सर ने जो बोला ना ठीक है, सर, बेसिकली मैं रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग, ये मेरा मतलब प्रोफेशन है सर, तो ओके, मैंने रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के कुछ वेबसाइट्स मैंने सर्च की मतलब। ओके और ओके, किस सर थोड़ा सा मैं मतलब डिमोटिवेट हो गया टू बी ऑनेस्ट सर, बात क्योंकि से? ओके, क्योंकि वहां पे मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है जो अभी टॉप पे बैठी हुई है सर, और उन्होंने मतलब खुद ने भी पेड एड्स लगाए रखे हुए हैं। ओके तो थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब इतने बड़ी कंपनियों को बीट करना मतलब कितना टाइम लगेगा। चलो ठीक है। इस बात पे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ चुका है, जो जस्ट मैं अभी बाहर निकालने वाला हूँ। तो सब ओके सर तैयार है उस एग्जाम्पल के लिए? जी सर चलो ठीक है, एक टूल भी बताता हूँ साथ साथ। कभी भी हमें कोई वेबसाइट की एज देखनी हो कि वेबसाइट कितनी पुरानी है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं हु इज। क्या यूज करते हैं? हु इज। ओके हु इज लिखते ही हमारे पास आ जाएगा हु इज लुकअप, डोमेन अवेलेबिलिटी एंड IP सर्च। आप, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर नहीं की ना प्रो? ओहो नहीं सर सॉरी, मेरे को लगा आप सब नहीं मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने हु इज लिखा है यहाँ पे। ठीक है, डोमेन अवेलेबिलिटी एंड IP सर्च, डोमेन टूल्स। अब इस हु इज में मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये गेट कैब इंडिया एक वेबसाइट है, जो फिर कैब रिलेटेड वेबसाइट है, मैंने अपने किसी क्लाइंट के लिए बनवाई है, और उसका SEO से लेके एवरीथिंग मैं करता हूँ। कितने दिन ओल्ड है? 160 days 160 days। जी सर, इसको मंथ्स में कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रायल की हम? बनी हुई है सर, 4 months नहीं 4 months नहीं सॉरी, करीबन 6 months, 5.5 months सर। 5.5 months अब होने वाले हैं, जबकि ये डेट वो बताता है जब आपने डोमेन खरीदा। उसके बाद डेवलपमेंट में भी कम से कम 1 से 1.5 महीना लग जाता है, या 2 महीने मैं मानता हूँ लग जाते हैं, मेरे को तो लगे थे। ठीक है, अब ये वेबसाइट एक और जो मैंने उस दिन आपको राजपूताना कैब बताई थी, जी सर अब इसका चेक करते हैं कब की है। ये तो बहुत पुरानी वेबसाइट होगी सर, 2136 days old। कितने साल पुरानी है? 5 years
2013 की वेबसाइट है सर, देखो। हाँ अब आप सोचो, 2013 की वेबसाइट है, पूरे राजस्थान में तहलका मचा रखा है। 40,000 इसकी ट्रैफिक है, इसका 40,000 का ट्रैफिक है, और ओनली फॉर टैक्सी फील्ड में। टैक्सी फील्ड में सिर्फ टैक्सी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड 40,000 का ट्रैफिक बहुत मायने रखता है। और आपको आज मैं बताऊं, जब मैंने स्टार्ट किया तो आप अगर ऐसा, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं, किसी दिन नहीं सोचा। मेरा टारगेट है कि हाँ, इस वेबसाइट को बीट करना है। तो आज मैं आपको इसमें बता दूं, मैंने ये गेटकैप इंडिया वाला पूरा प्रोजेक्ट है, आज मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि अभी क्या पोजीशन है हमारी। जो मैंने आपको बताया कि कुछ कीवर्ड्स पे मैं वर्क कर रहा हूँ, निशित जी देख पा रहे हैं? हाँ सर, मैं देख पा रहा हूँ, बल्कि बिल्कुल मैं तो वो ध्यान दे रहा हूँ सर। मेरी भी सिचुएशन ऐसी है कि मैं चौथे पांचवे छठे पेज पे तो गूगल के कीवर्ड पे हूँ, पहले पेज पे नहीं आ पहले पा पहले रहा हूँ। दिन जब हम एसईओ स्टार्ट करते हैं, उस दिन पोजीशन खराब होती है, तभी तो एसईओ स्टार्ट करते हैं। इस चीज को ऐसे लीजिए, जब भी हम एसईओ स्टार्ट करेंगे उस दिन पोजीशन यही होगी। सही पोजीशन कह खराब है तभी तो हम एसईओ स्टार्ट कर रहे हैं। जो कंपनी ऑलरेडी रैंक कर रही है वहां पे जरूरत कहाँ है फिर? एक्चुअली ये टूल सारा डेटा फेच करते हैं बाहर से, तो फेच करते हैं तो थोड़ा सा इनको लोड होने में टाइम लगता है। सर, जैसे आप बता रहे हैं वेबसाइट ओल्ड है या न्यू है, तो ऐसी डोमेन की एज भी मैटर करती है। डेफिनेटली डोमेन की एज मैटर करती है। जितना पुराना डोमेन होगा और एक्टिव रहेगा तो उसकी डोमेन अथॉरिटी भी बढ़ेगी। अब आप ओके देखिए यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट बता रहा है कुछ कीवर्ड्स में। अब हम इसके सारे के सारे कीवर्ड्स ऑब्जर्व करते हैं कि उनकी क्या पोजीशन है। अब आप ये देखिए, ये मैंने सारे कॉम्पिटिटर्स लिस्ट कर रखे हैं, 20 कॉम्पिटिटर लिस्ट कर रखे हैं। जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था ना सचिन जी, ये पोजीशन यहाँ पे थी, ओके यहाँ पे थी, और यहाँ से यहाँ तक पहुंची है। ठीक है, ओके राजपूताना कैब सबसे टॉप में है, राजपूताना कैब से नीचे सवारी आ रहा है, सवारीकैब.com, जबकि पूरे इंडिया को कैटर करता है, बट राजस्थान में आते ही सवारी भी वीक पड़ जाता है। ओके राजपूताना उसको भी बीट करके बैठा है। सर, तो ये आपने कितने दिन में सर अचीव किया है इसको? मैं इस पे मतलब लास्ट 2 महीने से तो लगा हुआ ही हूँ, अच्छा, एवरी डे दो महीने में एवरी डे आपको इस पोजीशन पे पहुंच गए आप? दो से हाँ 2 से 2.5 महीने में। और आपको, आपके सामने है सारे फैक्ट, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आप इसको देख सकते हो। 160 डेज ओल्ड अप्रैल में लिया हुआ है। राइट सर। तो ये अभी यहाँ पे पहुंचा है। मेरा विजन है कि कम से कम 1 साल में राजपूताना को, 1 साल का पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, तब जाके राजपूताना टच करेंगे। तो सर, इसमें आप बैकलिंक्स को परचेज करते हैं या खुद बनाते हैं अदर देखो स्ट्रेटेजी से? मैं खुद भी बनाता हूँ, और जहां परचेज करने की अपॉर्चुनिटी मिले मैं जी छोड़ता नहीं हूँ। हाँ जी, हाँ अभी तक तो मैंने एक या दो ही बैकलिंक्स परचेज किए हैं, ज्यादा जी। नहीं किए हैं। विपिन जी कैसे हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आज लेट हो गए हैं आप। जी सर। खैर, मैं आपको इसके कुछ कुछ कीवर्ड्स पे, जैसे आप देखेंगे, हम आज पोजीशंस पे देख लेते हैं। मैं जैसे आपको यहाँ से पोजीशन दिखाता हूँ, 13th पोजीशन आ रही है। 13th पोजीशन का मतलब है फर्स्ट के या सेकंड पेज पे आ रहा है। टैक्सी सर्विस इन जैसलमेर 14th पोजीशन आ रहा है।
जैसलमेर टैक्सी कंपनी 14th पोजीशन आ रहा है, मतलब आप सोचो सेकंड पेज पे ये आ चुकी है। मैं लिख लेता हूँ, जैसे टैक्सी सर्विस इन जैसलमेर, ये फर्स्ट पेज है। फर्स्ट पेज पे सबसे पहले पहले आ रहा है राजपूताना, ये सवारी.com जो मैंने कॉम्पिटिटर में लिस्ट कर रखा है, देख रहे हैं। अभी मैं आपको सवारी के पेजेस बता दूं ना, तो इंडिया लेवल पे उसने कितने पेजेस बना रखे। ये अपना आ रहा है गेट कैब इंडिया टैक्सी सर्विस इन जैसलमेर सेकंड पेज पे। तो सचिन जी कभी भी ये दिमाग में मत रखो कि वो इतने बड़े कॉम्पिटिटर है तो हम कैसे आएंगे। पता कैसे लगेगा इनके कितने पेजेस हैं? ये मैंने उस दिन भी आपको टेक्निक सिखाई थी। लेट से वेबसाइट है आपकी, साइट कोलन वेबसाइट का यूआरएल। यस मैं वापस बता देता हूँ सर। लेकिन ये जितना ज्यादा कंपटीशन होता होगा उतना ज्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ता होगा। डेफिनेटली डेफिनेटली वहीं पे रखे नीचे। मैंने लास्ट मंथ एक क्लाइंट को SEO का पर मंथ का बजट दिया 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए पर मंथ ओनली फॉर SEO, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूंगा उसमें। और उसमें से कितने कीवर्ड्स हैं 1,00,000 रुपीज में? उसके मतलब ऐसा नहीं है उसमें, जब आप इतना बड़ा बजट देते हो तो आप कोई 5 या 10 कीवर्ड्स की बात नहीं करते। आप कहते हो कि मैं आपकी पूरी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करूंगा और एटलीस्ट जैसे 20 या 30 कीवर्ड्स में नेक्स्ट 6 मंथ्स में पोजीशनिंग टारगेट कर सकता हूँ। आप कभी भी कीवर्ड का कमिटमेंट नहीं देते हो। बड़े ये प्रोजेक्ट्स में कभी ऐसा नहीं होता कि 5 कीवर्ड या 10 कीवर्ड का आप कमिटमेंट दो। वो तो ये जैसे सर मैंने मार्केट में देखा है लोग 1,000 रुपए। एक बार ये देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे साइट लिखा, साइट कोलन और फिर मैंने वेबसाइट का URL। अब मैं जैसे एंटर प्रेस करता हूँ तो गूगल सर्च रिजल्ट में वही शो करेगा जिसमें सवारी.com आएगा। तो सवारी.com तो बेसिकली सवारी.com के डोमेन ही आएंगे। अब आप देखिए कितने पेजेस हैं, 43,900। माय गॉड। अब मैं अब आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा कि यार इतने पेजेस कैसे हैं, तो मैं इस वेबसाइट को आपको साइट मैप दिखा देता हूँ। अब इस वेबसाइट को देख के कभी लगेगा नहीं कि ये कितने पेजेस हैं। कितने साइट कोलन और नाम साइट कोलन, फिर आप वेबसाइट का जो पूरा नेम है यहाँ से मतलब कॉपी करके उसको पेस्ट करिए और एंटर प्रेस कीजिए। सर इतने पेजेस मैनेज करना भी मुश्किल होता होगा। इसके लिए पूरी टीम होती है। जब आपके पास पूरे इंडिया से बिजनेस आ रहा है तो आप टीम क्यों नहीं रखोगे। इसका आज से 10 साल पहले जो SEO करता था वो मेरा फ्रेंड ही करता था, और आज से 10 साल पहले जब मतलब 2010-2011 हाँ, तो मतलब वही 10 साल तो हो ही गए समझो। उस टाइम में मेरा फ्रेंड करता था इसका SEO। तब इसका बजट था करीबन, तब जब मतलब इंडिया में कोई इतना बजट सोचता भी नहीं होगा SEO का, तब इसका करीबन 80,000 से 1,00,000 रुपए बजट था। अब आप देखिए इसने कितने सारे पेजेस बना रखे हैं। अहमदाबाद अहमदाबाद में ये पेजेस बना रखे हैं जो स्टार्ट होते हैं वन वे टैक्सी से। ये तो वन वे टैक्सी की एक बात हुई। ऐसे कैसे मैं अगर बुक टैक्सी में जाऊंगा तो बुक टैक्सी में और पेजेस आएंगे। फिर ऐसे कैसे मैं अगर एयरपोर्ट टैक्सी में जाऊंगा तो एयरपोर्ट टैक्सी में, आप किसी भी सिटी का नाम लिखो और साथ में टैक्सी लिखो तो सवारी कैब कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। साउथ में इसकी पोजिशन बहुत स्ट्रांग है, जैसे राजस्थान में मैं कह रहा था राजपूताना कैब की। सचिन जी देख रहे हैं? जी सर ये उस लेवल पे प्ले कर रहा है, तभी इसके 44,000 पेजेस हैं। अब मैं लिखूं अहमदाबाद टू बड़ौदा वन वे टैक्सी, तो आप देखोगे तो सवारी कैब आएगा ही आएगा। लोग सर्च करते हैं अहमदाबाद टू सूरत वन वे टैक्सी, सूरत टू मुंबई वन वे टैक्सी, कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। आप चेक कर सकते हो इस वेबसाइट को। सर ये हाँ क्या बोल रहे हैं और लगभग आवाज आ रही है।
किसी एक का शायद ईयर पीस में कोई प्रॉब्लम है, जब आप म्यूट करते हैं सारे तब वो क्लियर रहता है। क्लियर है, ठीक है। आप क्या कह रहे थे? कि ORM और जो हाँ सचिन जी नहीं सर आर्यन सर कुछ बोल रहे थे। आर्यन जी जी मैं यही पूछ रहा था ORM और SEO में रिलेशन। ORM हाँ जी आर्यन जी, ORM है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। हाँ जी। अब बहुत सारी कंपनियां हैं जो बोलेगी कि हमारे को सोशल मीडिया से ज्यादा मतलब नहीं है, या सोशल मीडिया पे हमारा बिजनेस नहीं है, हमें SEO से बिजनेस चाहिए जी। बट कई बार ऐसा होता है क्लाइंट्स आते हैं और वो डिसीजन लेने के टाइम में हमारा सोशल मीडिया भी चेक करते हैं जी। तो ऐसे केस में वी वांट समवन जो कि हमारी ऑनलाइन ओवरऑल रेपुटेशन मैनेज करे, मतलब जहां पे भी हम जाएं तो हमारी सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी चाहिए। सोशल मीडिया प्रेजेंस के अलावा कहीं पे भी अगर जैसे कोई भी प्रोफाइल है जो कंपनी की, जैसे प्रोफाइल जहां पे रिप्रेजेंट करनी हो तो वहां पे हमारी कंपनी की प्रोफाइल रिप्रेजेंट करनी चाहिए। तो इस तरह से आप पूरा अगर ORM करते हैं तो वो ORM एक चीज हो गई, और SEO इज ओनली रिलेटेड टू सर्च इंजन, जिसमें आपको केवल सर्च इंजन पे फोकस करेंगे। ओके अब ORM में मैं ये भी लिख सकता हूँ, सपोज मेरे को कोई कंपनी ज्वाइन करनी है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मैंने लिखा TCS। अब TCS मुझे ज्वाइन करनी है तो मैं देखूंगा कंपनी के रिव्यूज किस में आते हैं, चेक करते हैं हम कोई कंपनी ज्वाइन करने से पहले जी, जी। तो कंपनी रिव्यूज के लिए इंडीड है, ग्लासडोर है। अब ग्लासडोर में मैं जाऊंगा, ग्लासडोर में मुझे अगर TCS की रेपुटेशन सही नहीं मिली तो मैं क्या वो डिसीजन लूंगा? नहीं सर। तो इस तरह से ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में आप रेपुटेशन मैनेज करते हो किसी कंपनी की, वहां पे अच्छे अच्छे रिव्यूज डाल के सोशल मीडिया मैनेज करके, आप चाहे चार दिन में एक पोस्ट डालो, लेकिन एक पोस्ट मतलब अकाउंट मेंटेन होना चाहिए। आप आज भी बड़ी बड़ी कंपनियों को उठा के देख सकते हो, फेसबुक पे प्रोफाइल होगा लेकिन लास्ट पोस्ट कब किया होगा? 15 दिन पहले, या होली दिवाली या वीक जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें पोस्ट करते हैं। हाँ जी। ताकि क्या है, कोई भी क्लाइंट आए तो एटलीस्ट ये देखे हाँ ये कुछ तो करते हैं, राइट सर, और फिर वो समझ पाए कि हाँ यार इसका मतलब सोशल मीडिया पे बिजनेस नहीं है, इसको अभी भी ऑफलाइन बिजनेस ही है इंडिया में, इसको सोशल मीडिया से बिजनेस मिलने में शायद अभी भी 10 साल लगे हैं, राइट। ऐसे बिजनेसेस हैं, पर एट द सेम टाइम ऐसे भी बिजनेसेस हैं जो सोशल मीडिया से ही करोड़ों का बिजनेस उठा रहे हैं जी। तो दैट डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस, पर काफी बिजनेसेस को ऐसी जरूरत होती है कि हमारा ORM करो, आप ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट करो जी। तो वो डिफरेंस है। तो आज आगे बढ़े फिर तो सचिन जी, कभी भी ऐसे मत सोचिए कि है ना ये पर्टिकुलर वेबसाइट इतना आगे रैंक कर रही है तो मैं कैसे रैंक करूंगा। अगर मैं ऐसा सोचता तो मैं ये प्रोजेक्ट ही नहीं उठा पाता, और ट्रस्ट मी ये प्रोजेक्ट के पीछे मेरे पास और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स आए हैं अलग अलग सिटीज के, जस्ट फॉर वेबसाइट एंड SEO। पूरा टैक्सी का बिजनेस है, आप सेटअप करो, सब कुछ आप करो, SEO भी आप करो, और हमें तो बस रेट बताओ क्या है, और उसके बाद मंथली पैकेज बताओ क्या है। That depends. जैसे मैं अभी जो अपनी पूरी टीम को मैं SEO करवाने वाला हूँ ना, मैं इस प्रोजेक्ट पे कराने वाला हूँ, अभी इसका कंटेंट रेडी करवा रहा हूँ, एक बार कंटेंट रेडी हो जाए इसका पूरा ऑन पेज अपन करेंगे। इस प्रोजेक्ट में भी मैंने अभी करीबन 50-60 पेजेस का प्लान किया है, फिर मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। और जो गेट कैब इंडिया है उसमें मैंने करीबन 300 पेजेस का प्लान किया है। सर एक ही तरह के दो क्लाइंट आके बस आते तो सर किसको पहली और किसको दूसरी पोजीशन पे रखते सर? जो ज्यादा पैसे देगा, जो जितना बजट देगा उस हिसाब से मैं अपनी टीम को डिप्लॉय करूंगा। अब टीम मेरे से सैलरी ले रही है, सिंपल सी बात है, और मुझे अगर उसको आवरली बेसिस पे देखना है कि एक घंटे में कितना, मतलब 8 घंटे का मेरे पास टाइम है, 8 के हिसाब से अगर वो मेरे से सपोज एक पर्टिकुलर सैलरी ले रहा है तो मैं उसकी 1 घंटे की कॉस्ट लगाऊंगा, उस हिसाब से डिवाइड करूंगा कि भाई तेरे को 2 घंटे इस वेबसाइट पे काम करना है, उसी हिसाब से मैं कंटेंट बनवाऊंगा ब्लॉग के लिए कि भाई कंटेंट राइटर को बबोलूंगा कि मेरे को इतने वर्ड्स के 5 ब्लॉग चाहिए, 4 ब्लॉग चाहिए। अब किसी क्लाइंट का बहुत अच्छा बजट है तो मैं 10 ब्लॉग भी बना सकता हूँ। अब वो गेट कैब इंडिया है, गेट कैब इंडिया का सोशल मीडिया भी मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो उसका सोशल मीडिया भी अगर आप प्रोफाइल देखोगे तो उसमें डेली पोस्ट होता है,
और काफी इंगेजिंग वाला कंटेंट हम बनाते हैं। अब गेटकैप इंडिया में हमें पता है कि सोशल मीडिया से अभी एकदम से डायरेक्टली कोई बिजनेस नहीं आना है, लेकिन जो भी क्लाइंट अभी हम गेटकैप इंडिया में, अगर आप बुकिंग्स में आपको बताऊं, इंडिया की कोई बुकिंग नहीं है, सब यूएस की यूके की बुकिंग है। अब जो भी क्लाइंट बुक करता है, बुक करने से पहले उसका सोशल प्रोफाइल देखता है, जो मैंने बहुत स्ट्रांग कर रखा है। ट्रिप एडवाइजर चेक करता है, वो मैंने काफी स्ट्रांग कर रखा है। तो जब ये सारी चीजें देखता है तो कहता है कि यार वास्तव में आपके रिव्यूज भी अच्छे हैं, हर जगह आप प्रॉपर हो तो आप हमें सर्विस दो। और क्लाइंट ने बुक करा है लिटरली, एक क्लाइंट ने करीबन यूएस का क्लाइंट है, उसने राजस्थान और पूरा मतलब इंडिया घूमने का 21 दिन का पैकेज बुक कराया है। ऐसे काफी एडवाइजर पे जैसे आप लिख रहे हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या पेड होता है? ट्रिप एडवाइजर पे हम क्लाइंट से तो चार्ज करते हैं, बट रिव्यू हम खुद ही डलवाते हैं। हमारे कंटेंट राइटर रिव्यू लिखते हैं प्रॉपर और उन रिव्यूज को हम डलवाते हैं। तो ट्रिप एडवाइजर उसका एक्सेस देने के लिए आपसे कुछ पैसा लेता है उसमें? नहीं, ट्रिप एडवाइजर कोई पैसा नहीं लेता। ट्रिप एडवाइजर तो एक लिस्टिंग प्लेटफॉर्म है, आप भी जाके अपना बिजनेस लिस्ट कर सकते हो। ओके ओके, आप भी जाके लिस्ट कर सकते हो। ओके, ठीक है, वो सब चीजें हम अभी आगे करेंगे एसईओ ऑफ पेज में। एक बारी मेरी और थी, जैसे आप पेजेस एकदम से बहुत क्वालिटी में से प्लान करते हैं तो उसके मतलब क्योंकि बहुत शुरुआत में लिमिटेशन तो बहुत सारी रहती है, तो इतने सारे पेजेस कैसे प्लान कर लेते हैं? लिमिटेशन बहुत सारी रहती है, तो सिंपल सी बात है, कम पेजेस प्लान कीजिए, कम पेजेस से स्टार्ट कीजिए। और अगर आप सिंगल रिसोर्स हैं तो आप प्लान कीजिए कि लेट से मैं एक बार 10 पेज कंप्लीट कर लूंगा, फिर एवरी वीक एक पेज बढ़ाऊंगा। पेजेस की प्लानिंग आपको मतलब इनिशियल में करनी पड़ेगी, पूरा मैप बना के कि मेरे को इतने इतने पेजेस चाहिए, इस नाम के पेजेस चाहिए, और उन पेजेस के लिए कीवर्ड रिसर्च भी कर लिया। सपोज आपने प्लानिंग आपने कर ली, लेकिन ये एवरी वीक आप बनाते जाओ। कोई भी यूट्यूबर डे वन प्लानिंग करते तो जैसे होम अबाउट सर्विस, सर्विस के कुछ पार्ट और वही सारी चीजें खत्म हो जाती है। निश्चित जी, बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। कोई बिजनेस ऐसे हैं जिनमें इससे ज्यादा पेजेस की नीड ही नहीं है, वहाँ पे आप ब्लॉग डाल सकते हैं उस बिजनेस से रिलेटेड, वहाँ पे ब्लॉग या पोस्ट से चीजों को बढ़ा सकते हैं। राइट सर, उस चीजों को बढ़ा सकते हैं। अब कैब सर्विस वाले बिजनेस में कहाँ 300 पेजेस की जरूरत है, मैं कर रहा हूँ ना प्लान, तो दिमाग आपको उसमें थोड़ा स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। अब आपका बिजनेस किस चीज का है, उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं? नहीं, डेफिनेटली सर, आपसे आइडिया, जैसे मैं अभी तक टाइटल नहीं लिख पाता था, आपने आइडिया दिया, मैं कितनी भी आप टाइटल दे दो मैं लिख दूंगा। मैं वही कह रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करते हैं, मैंने काम करना शुरू किया तो कहीं ना कहीं आइडिया की वजह से ही हुआ। हाँ, आपने टाइटल आपने क्या 30-40 लिखे जैसे मैंने आपको बताया था? बिल्कुल सर, 30-40 आज की डेट में है मेरे पास टाइटल जो है। चलो परफेक्ट है, परफेक्ट है। फिर तो आप मतलब जल्दी आप देखना एसईओ में बहुत अच्छा करने वाले हैं, ये मेरे को पक्का विश्वास है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर तो हम डिस्कशन पे जरूरी है, लेकिन डिस्कशन के साथ कुछ मूवमेंट भी मेरे को पसंद है। विदाउट मूवमेंट मुझे लगता है आज मैं कुछ कर नहीं पाया। तो आज 23rd है, हमने लास्ट टाइम डिसाइड किया था इंटरलिंक्स, इंटरनल लिंक्स, लिंक स्ट्रक्चर, पेज स्पीड, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और प्लेजरिज्म, इस तरह की बात की थी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्टेंट ऑप्टिमाइजेशन में। कंटेंट किस तरीके का हो सकता है, तो उसके लिए मैंने आपको कहा था एक तो रिटन टेक्स्ट, फिर उसके बाद आ रहा है इमेज एंड आ रहा है वीडियो। क्लियर? ऑडियो, ऑडियो, हाँ ऑडियो भी हो सकता है, ऑडियो हो सकता है। उसके बाद फिर आप ऐसे तो कुछ डाउनलोड वाला मटेरियल भी दे सकते हो, डाउनलोड मटेरियल जिसके अंदर आप ईबुक प्लान कर सकते हो। कोई ईबुक डाउनलोड करेगा तो साथ साथ ईमेल आईडी भी देके जाएगा, जो आप आगे फिर फेसबुक एड्स या किसी भी एड स्ट्रेटजी में यूज कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज, किस तरह का कंटेंट होना चाहिए, किसी भी वेबसाइट में कंटेंट किस तरीके का होना चाहिए, तो मैं आपको सिंपल सी चीज बताऊं, कंटेंट दो तरीके हो सकते हैं। या तो मतलब एक तो हो सकती है आपकी पूरी वेबसाइट, ठीक है, और एक हो सकता है कोई ब्लॉग। तो वेबसाइट के लिए तो सीधा स्टैंडर्ड कंटेंट जो टू द पॉइंट बात करे, कौन सा कंटेंट टू द पॉइंट बात करने वाला कंटेंट अच्छा लगता है। ब्लॉग के लिए आप कैची लाइंस यूज कर सकते हैं, और क्या बोलते हैं, ब्लॉग में आप है ना मतलब कुछ मतलब चीजी लाइंस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट में हमेशा स्टैंडर्ड कंटेंट ज्यादा प्रेफर करते हैं
टू द पॉइंट बात करे, और वो भी उस तरह का कंटेंट होना चाहिए जिसकी डिमांड हो, मतलब आप जिस चीज की वेबसाइट बना रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड हो मार्केट में, तो कंटेंट आप उस तरीके का बनाएं, ठीक है। अब कंटेंट में मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा चल रहा है कंटेंट वो है वीडियो कंटेंट। अगर आपकी वेबसाइट में रिटन टेक्स्ट, इमेज और वीडियो तीनों चीजें हैं, तो मतलब सोने पे सुहागा है। आपको दूसरे लोगों से जो ऑलरेडी इतने साल से रैंक कर रहे हैं उनके वेबसाइट में जाके देखिए क्या अभी वीडियो है या नहीं है। वीडियो नहीं है और अगर आपने वीडियो डाल दिया किसी भी तरीके का जो अपनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस से या कंटेंट से रिलेटेड वीडियो है, तो मतलब वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, मार्क माय वर्ड्स। और जितने भी मैंने अभी रिसर्च किया, आज के टाइम में वीडियो वाला कंटेंट बहुत ज्यादा चल रहा है। अगर आप अपनी फेसबुक फीड भी स्क्रॉल करेंगे तो आज के टाइम में 70% आप वीडियो कंटेंट देखेंगे और 30% आप इमेज या टेक्स्ट वाला कंटेंट देखेंगे। अंश सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल सर। सर मैं कल रिसर्च कर रहा था तो सर ऑडियो भी सर एक ने वेबसाइट में डाली हुई थी और उसके नीचे उसने रिटन में लिखा हुआ था कंटेंट। बिल्कुल सर, आजकल ऐसे भी चल रहा है। ऑडियो की अगर मैं बात करूं तो ऑडियो से मेरा दिमाग सीधा जाता है पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट आप सबने सुने होंगे क्या होते हैं? हाँ सर वो भी है। बिल्कुल पॉडकास्ट में मेरा दिमाग जाता है, लेकिन पॉडकास्ट इंडिया में अभी नहीं चल रहे हैं, इंडिया में नहीं चल रहे, लेकिन यूएस में बहुत ज्यादा चल रहे हैं। But I listen. हाँ, तो इंडिया में अभी बहुत कम चल रहे हैं। मैं अपने क्लाइंट के लिए डेली एक पॉडकास्ट पोस्ट कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ इंडिया से इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, बट बाहर से है। जी, तो कंटेंट में मैं आपको मतलब यही सजेस्ट करूंगा, कंटेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी डिमांड हो, कंटेंट विच हैज डिमांड, पहली चीज। एंड दूसरी चीज, कंटेंट शुड बी लिंकेबल, आगे से आगे लिंक किया हुआ होना चाहिए। अब लिंकेबल क्यों है? लिंकेबल समझाने के लिए मैं आ गया इंटरनल लिंकिंग पे। कहाँ पे आ गया? इंटरनल लिंकिंग पे। अब इंटरनल लिंकिंग क्या चीज है, कितने लोगों को पता है? अंश आपको आइडिया होगा? नो सर। सिलोइंग कह रहे हैं सर आप, सिलोइंग जैसे कहते हैं। सिलोइंग क्या? सॉरी, जैसे फॉर एग्जाम्पल विकिपीडिया अपने एक कंटेंट से दूसरे कंटेंट को बहुत ज्यादा इंटरलिंक कर देता है, दैट मतलब कंटेंट सिलोइंग बोलते हैं ना इसको, एक सिलोइंग नेटवर्क बनाना, इंटरनल लिंकिंग करना अपने सारे ब्लॉग्स को एक दूसरे से लिंक करने के लिए होता है। कह सकते हो आप, मतलब मेरे को आपका टर्म मेरे को चेक करना पड़ेगा, अभी चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैं इसको इंटरनल लिंकिंग ही कहता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? सिलोइंग। SILO Hello. ING. What is this? Isolate process department from others. What is SEO siloing? SEO siloing is how a website should be structured. Siloing is the act of dividing a website content into different categories and subcategories, groups known as silos. हाँ वही, मैं भी यही चीज कह रहा हूँ। मैं आपको इंटरनल लिंकिंग और इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा था, वो आपने एक नया टर्म दिया है। किसने बताया मुझे ये टर्म, क्या नाम है आपका? अरिहंत सर। अरिहंत, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। आज आपने मुझे कुछ नया टर्म दिया है, मैं डेफिनेटली इस पर रिसर्च करूंगा अच्छे से। मैंने इसके लिए आपके लिए जो लिख रखा है इंटरनल लिंक्स एंड लिंक स्ट्रक्चर, जो वो सिलोइंग जो आप टर्म कह रहे हैं वो भी वही बात कर रहा है कि वेबसाइट का लिंक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। जी, उस पर। अब इंटरनल लिंकिंग है क्या? इंटरनल लिंकिंग मैं आपको बता देता हूँ, जो आप कह रहे थे, मैं आपको इस राजपूताना कैब वाली वेबसाइट का ही एग्जांपल देता हूँ। अब देखिएगा, कंटेंट सीधा सा सीधा, बहुत सीधा कंटेंट है जो इन्होंने मेंशन किया है। प्लानिंग टू हायर अ टैक्सी कैब सर्विस इन जयपुर, देन गिव अस अ चांस टू सर्व यू। बहुत सिंपल, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधा स्टैंडर्ड। अब कह रहा है एट राजपूताना कैब्स वी ऑफर द बेस्ट कैब सर्विस विद आवर सेडान कार्स, इनोवा कार्स, लग्जरी कार्स। अब लग्जरी कार्स में आप देखेंगे लिंक लगा हुआ है, देख रहे हैं निशित जी? जी सर। अब मैं लिंक पे जैसे ही क्लिक करूंगा, मैं नए टैब में खोला तो ये लग्जरी कार के एक पेज को कनेक्ट कर रहा है। अब मैं पर्टिकुलर इस वेबसाइट पे आया, फिर मैंने कहा नहीं, अब मेरा इंटरेस्ट अगर सिटी टूर में है, जयपुर के एक सिटी टूर में है, कि मेरे को जयपुर का पूरा लोकल साइट सीइंग करना है, तो मैं डायरेक्ट क्लिक करके
रीड करते करते यहाँ पे आ गया सिटी टूर में। तो जो मैं ये सिटी टूर में आया, मैं ये आया कहाँ से? मैं चाहता अगर मुझे पूरा, मैं वेबसाइट रिसर्च करता, रिसर्च करके अच्छा यहाँ पे साइट सीइंग टूर है, यहाँ पे ये है, इतना मैं चल के इतना सोच के इतना ढूंढ ढूंढ के आता, उससे बेहतर रिटर्न कंटेंट में मुझे कहीं से लिंक मिल गया और उस लिंक को क्लिक करके मैं यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आ गया जयपुर साइट सीइंग विद राजपूताना कैब्स। आप सब देख पा रहे हैं? हाँ निश्चित जी, देख पा रहे हैं आप स्क्रीन? अब जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे फिर कुछ कुछ लिंक्स लगे हुए हैं, टोयोटा फॉर्च्यूनर, एसी टेम्पो ट्रैवलर। अब मेरे को सपोज जयपुर साइट सीइंग टूर चाहिए एसी टेम्पो ट्रैवलर में, तो इन्होंने एसी टेम्पो ट्रैवलर में भी लिंक लगाया, क्योंकि मेरा माइंड जाएगा टेम्पो ट्रैवलर कैसा होगा, फैसिलिटीज कैसी होगी, उससे रिलेटेड जाएगा। सोच के देखिए अगर आप पर्टिकुलर इससे रिलेटेड कॉन्टेंट में इंटरेस्टेड है, तो मैं जिस चीज में इंटरेस्टेड हूँ उसी से रिलेटेड आगे से आगे मुझे लिंक्स दिखाए जा रहे हैं और मैं वहां पे क्लिक करके जा रहा हूँ। इस पूरे प्रोसेस को हम इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। अब ये करते क्यों है हम, कोई बता सकता है कि हम ये करते क्यों है? सर वेबसाइट की पेज अथॉरिटी बढ़ाने के लिए। चलो अपन कहते हैं हम इंटरनल लिंकिंग करते हैं टू इंक्रीज अच्छी सर्विस सर देने के लिए, वेबसाइट पेज अथॉरिटी टू गिव बेस्ट सर्विस, और सर बैकलिंक, इंटरनल बैकलिंक लेने के लिए अपनी वेबसाइट से खुद ही, टू गिव इंटरनल लिंक्स। ओके और कोई पॉइंट? टू यूजर एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, मतलब परफेक्ट। मैं एक्चुअली यही आंसर देखना चाह रहा था, यूजर एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? वेबसाइट में इंटरनल लिंक्स होंगे, अगर मैं सोच के देखिए अगर मैं किसी कॉन्टेंट से रिलेटेड इतना इंटरेस्टेड हूँ और उसी से आगे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती जाए, क्या मैं किसी और वेबसाइट पे जाऊंगा? सोच के देखिए विपिन जी, क्या मैं किसी और वेबसाइट पे जाऊंगा? नहीं जी सर। जब मुझे एक ही वेबसाइट में सारा कंटेंट मिल रहा है, इतने अच्छे से फ्रेम किया हुआ, जो चीज जहां पे होनी चाहिए वो वहीं पे है, जो लिंक जहां पे होना चाहिए वो वहीं पे है, तो उससे बेस्ट मैं फिर कहीं और वेबसाइट पे जाऊंगा नहीं। तो सबसे पहला जो मेरा मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो टू इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस। और जब यूजर एक्सपीरियंस इम्प्रूव होगा ना मिश्रित जी, तो एक चीज ध्यान रखना, यूजर का जो टाइम है, स्पेंड टाइम उस वेबसाइट पे, वो इंक्रीज होगा। और जब वो इंक्रीज होगा तो आप ही की कैटेगरी में जो 20 वेबसाइट और आपसे कंपीट कर रही है, चाहे उनके बैकलिंक्स ज्यादा भी हो, चाहे उनके बैकलिंक्स 200 के 400 हो और आपके 50 ही हो, और गूगल ये चीज रिकॉर्ड कर रहा है कि यूजर एक्सपीरियंस में उस कैटेगरी की वेबसाइट में यूजर 20 मतलब क्या 5 मिनट ही रुक रहा है, और 5 मिनट के बाद वो दूसरी वेबसाइट फिर सर्च कर रहा है, लेकिन यहाँ पे यूजर 15 मिनट रुक रहा है और ये वेबसाइट पे जाने के बाद वो उस कीवर्ड पे वापस सर्च नहीं कर रहा, मतलब उसकी सर्च वहीं खत्म हो चुकी है। और अगर वो सर्च वहीं खत्म हो चुकी है, मतलब ये वेबसाइट बेस्ट वेबसाइट है। निशित जी क्या लगा आपको? सर यही तो चाहता है गूगल के, मतलब वो अपने कस्टमर को बेस्ट टू बेस्ट देना कि गूगल सर्च को सबसे बेस्ट बनाए। आज 90% यूज कर रहे हैं लोग गूगल, चाहता है आने वाले टाइम में 100% लोग गूगल यूज करें, याहू का सफाया हो जाए, एमएसएन का सफाया हो जाए, बिंग खत्म हो जाए, गूगल सिर्फ ये चाहता है और हर सर्च इंजन यही चाहता है। तो हर सर्च इंजन क्या चाहेगा कि मैं बेस्ट सर्च एक्सपीरियंस दूं, ऐसा सर्च एक्सपीरियंस कि एक बार किसी कीवर्ड पे अगर यूजर ने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो वेबसाइट पे आया, उसके बाद उसको कुछ और ढूंढने की, सोचने की, समझने की जरूरत नहीं है। गूगल के पास आज के टाइम में वो उस लेवल की एनालिसिस है, जो गूगल एनालिटिक्स टूल हम यूज कर रहे हैं वो सेम, उससे भी हाई लेवल के एनालिटिक्स गूगल के पास होगी। जब हमें वो इतनी एनालिटिक्स दे सकता है तो उसके पास किस लेवल की होगी, और उसी को वो एसईओ में यूज कर रहा है। सचिन जी क्या लगता है? सर हाँ बताइए। हाँ सर एक चीज, मैं आपकी वेबसाइट में ये देख रहा था, मैंने एक जगह सर यूट्यूब वीडियो पे ऐसा सुना था कि एक पेज पे मिनिमम 2000 वर्ड्स का कंटेंट होगा वो ज्यादा अच्छा रैंक करता है। जैसे आपने बहुत ही प्रिसाइज और बिल्कुल की पॉइंट्स वाला कंटेंट लिखा हुआ है वेबसाइट पे, तब भी आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है। और वेबसाइट मेरी
जो अभी आप दिखा रहे थे ना, जो येलो कलर थीम में थी, कैटकैप इंडिया, यस हाँ जी, तो उसमें आपने कुछ कुछ पेजेस पे आई थिंक 100 वर्ड्स तक का ही कंटेंट है या 150 वर्ड्स तक का ही है अभी जो आप एक पेज दिखा रहे थे तो. लेकिन मैंने एक जगह वीडियो में ऐसा देखा था कि मिनिमम 2000 वर्ड्स का कंटेंट होगा एक पेज पे तो ज्यादा अच्छा रैंक करेगा. मैं तो आपको इसके पीछे बताऊं, वीडियो आपको बताते हैं वो चीज जो खुद उन्होंने बस वीडियो में देखा या कहीं सुना, उस पर वीडियो बना दिया. उनका जो जो इंटरेस्ट है वो ये है ज्यादा से ज्यादा व्यूज और ऐसी चीज बताना जिससे उनको बेनिफिट. अगर सारी चीज यूट्यूब पे यूजर एकदम परफेक्ट बता दे वीडियो वाले, तो फिर आपको ये क्लास लेने की जरूरत क्या है. right. मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपको प्रैक्टिकल अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. हाँ जी, हाँ जी. तो क्या कहा, कॉन्टेंट में सब कुछ आएगा, इमेज, इंटरनल लिंकिंग, रिटन टेक्स्ट, वीडियो. अब मेरा मैं आपको सबको अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझाता हूँ. आज अपन स्ट्रक्चर देखते हैं. ये मेरी वेबसाइट का होम पेज है और मैं सबको पहले यही बता दूं कि अभी भी मैं इस वेबसाइट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, पर एक बार मुझे क्लाइंट के कहने पे स्टार्ट करनी थी, लॉन्च करनी थी, तो मैंने कर ली. अभी भी मेरा कॉन्टेंट अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ है. जो मेरे 300 पेज कम्प्लीट हुए हैं, मेरा कॉन्टेंट बहुत ज्यादा है जो मैंने प्लान किया है. अब मैं आपको अपना स्ट्रक्चर बताता हूँ. ये मेरा होम पेज है, सब देख पा रहे हैं ये होम पेज. यहाँ पे मैंने बुक कैप का बटन दिया है, फिर मैंने यहाँ पे छोटा सा अबाउट अस का रिटर्न कंटेंट है, फिर उसके बाद मैंने पॉपुलर डेस्टिनेशन दे रखा है. कोई भी अगर जोधपुर में सर्च करे तो क्या क्या पॉपुलर डेस्टिनेशन हो सकती है. फिर उसके बाद मैंने कुछ की पॉइंट्स दे रखे हैं कि आप हमें क्यों चूज करेंगे. अगर आप एज अ कस्टमर सर्च कर रहे हैं, और कई बार अगर आप एक बड़ी प्लानिंग करते हैं, मुझे तो आज भी ध्यान है, मेरे को अगर कहीं बाहर जाना होता है ना और होटल बुक करना होता है, मैं 50 होटल को 50 बार चेक करता हूँ. अच्छा, इसका बाथरूम कैसा, अच्छा ये चेक कर लेता हूँ. अच्छा, यहाँ पे लोगों के रिव्यूज क्या है, अच्छा इमेजेस कैसी है. आप सब अपने आप से रिलेट कर लीजिए. आप कभी ना कभी आपने भी किया होगा कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हुए. और आप अगर अपनी छुट्टियों की प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ कई बार ऐसे ग्रुप आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो कि आपको प्लानिंग करनी है, पीछे 10 जन होगी, तब आप अपनी एडी चोटी का जोड़ लगा लेंगे, एक एक वेब कॉन्टेंट खोल के देखेंगे. तो मैंने उसी तरीके से जो यूजर सोचता है उस सोचने के हिसाब से कॉन्टेंट की प्लानिंग की है. अगर मैं यहाँ 2000 वर्ड्स दे दूंगा ना सर, 2000 वर्ड्स कोई नहीं पढ़ पाएगा. आपको ऐसा कंटेंट देना है जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड इतने की ही रिक्वायरमेंट है, और उसमें इमेज और सारी चीजें आ जानी चाहिए. अभी इसमें वीडियो कंटेंट नहीं है, मैंने वीडियो बनवा दिए हैं, वीडियो भी मैं आपको बताऊंगा. अब इसमें अगर देखोगे कार रेंटल, तो मैं अभी 6 सिटीज 7 सिटीज को टारगेट कर रहा हूँ, जिसमें अभी केवल 3 में हमारी पोजिशन स्ट्रांग है, बाकी 4 को तो हमने टच भी नहीं किया है, क्योंकि हमारा पहला फेज में यही था, फर्स्ट फेज में जोधपुर जैसलमेर एंड उदयपुर टच करना था. तो अब अगर मैं जोधपुर में जा रहा हूँ एज अ कस्टमर, अगर मेरे को जोधपुर मेरे को जाना है, विपिन जी देखिएगा जोधपुर में मैंने क्या क्या डाला है. मैंने केवल 2 लाइनें डाली है कंटेंट पे, और मैं सेकंड पेज में आ रहा हूँ रिटर्न कंटेंट में. 2 लाइनें या 3 लाइनें डाली है जितनी आपके सामने है, आप देख रहे हैं. क्यों? क्योंकि कंटेंट में सब चीजें आती है. लोगों को क्या लगता है कि केवल रिटर्न कंटेंट 2000 वर्ड्स का डालोगे क्रॉलर क्रॉल करेगा, ऐसा नहीं है. मेरी ये इमेज भी कंटेंट में गिनी जाएगी. अब सोचो कोई कार रेंटल इन जोधपुर में आया, तो जोधपुर में सबसे पहले पहले उसे क्या चाहिएगा? निश्चित जी जोधपुर जाके क्या देखेंगे सबसे पहले पहले? जोधपुर में क्या क्या मिलता है, जोधपुर में क्या क्या मॉन्यूमेंट्स है, किस टाइप की प्रॉपर्टीज है, वही सारी चीजें देखेंगे. तो मेरा सबसे पहला कॉन्टेंट शॉर्ट एंड क्रिस्प, जोधपुर लोकल साइट सींग टूर, आइए जोधपुर में घूमिए और लोकल साइट सींग करिए. तो मैंने लोकल साइट सींग की सारी प्लेसेस को लिंक कर दिया है. ये है मेरी इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर. यहाँ पे जोधपुर का पेज है, इसमें जोधपुर के सारे मैंने लिंकिंग कर लिया. अब लिंकिंग कर लिए तो जब मेरा क्रॉलर आएगा, स्कैन करेगा, तो जोधपुर और जोधपुर से रिलेटेड सारी चीजें देखेगा. अब इसमें आप अपने आप को वहां ले जा सकते हो. मैंने एक वीडियो शेयर किया था कुछ दिन पहले, आपकी शीट में है यूट्यूब में, चेक करिएगा. किस किस ने वो वीडियो देखा है अभी तक? किसी ने देखा? बोल तो सब रहे थे कि वीडियो शेयर करिएगा, मैंने शेयर भी कर लिया उस शीट में. सर वो शीट एक्चुअली मेरे पास अभी आना नहीं शुरू करी, मैंने मेल आईडी आपको अपडेट करी है. मैंने शीट शेयर कर ली है. मेरी मेल आईडी सर नहीं आ रही अभी. चलो ठीक है, मैं एक बार बात करता हूँ. तो उसमें मैंने जो लिखा था उसी हिसाब से कॉन्टेंट प्लान है. देखेगा सबसे पहले पहले मैं कहाँ घूमूंगा, लोकल साइट सींग करूंगा जोधपुर में, तो जोधपुर की पूरी हो गई.
फिर इसके बाद मैंने अपनी सारी रेट्स डाल दी कि जोधपुर में अगर आपको 6 घंटे 8 घंटे के लिए गाड़ी चाहिए तो ये रेट्स हैं, अलग अलग गाड़ियों की ये रेट है। फिर उसके बाद मैंने बुक नाउ बटन डाला, फिर बुक अ जोधपुर नियर बाय टूर विद गेट कैब इंडिया। अब मेरे को जोधपुर के आसपास 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर में कहीं जाना है तो मैं कैसे प्लानिंग करूंगा, तो मैंने 100-200 किलोमीटर वाली सारी लोकेशंस को डाल दिया है कि किसी को भी जहाँ यहाँ आसपास में कहीं जाना है या उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ क्लिक कर सकता है। फिर मैंने एक जोधपुर का ट्रैवल पीडिया बना दिया है, प्लेसेस टू विजिट इन जोधपुर, प्लेसेस टू ईट इन जोधपुर, प्लेसेस टू सी नियर जोधपुर और प्लेसेस फॉर शॉपिंग इन जोधपुर। क्या निश्चित जी कॉन्टेंट देख रहे हैं, पूरा कॉन्टेंट है, पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड कॉन्टेंट यही है। तो मैंने उसको बस ढंग से प्लेस किया है, कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए, यूजर इस चीज के बाद क्या देखेगा, इस चीज के बाद क्या देखेगा, आगे से आगे वो सारा मैंने प्लेसमेंट किया है। फिर मैंने कहा बुक अ जोधपुर आउटस्टेशन टूर विद गेट कैब इंडिया। अगर अब जोधपुर पूरा हो गया तो यूजर क्या सोचेगा, जोधपुर के बाहर कहाँ कहाँ जाऊं, विपिन जी सोचेगा कि नहीं सोचेगा। अगर कोई राजस्थान टूर पे आ रहा है 15 दिन के लिए, जोधपुर तो 2 दिन घूमेगा या 3 दिन घूमेगा, तो मैंने उसके लिए सारा जोधपुर से पुष्कर जाना है, जोधपुर से अजमेर जाना है, उदयपुर जाना है, जैसलमेर जाना है, जो भी आसपास की लोकेशन है सारी डाल दी। फिर उसके बाद वापस अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दी, अपने सारे ऑफिसेस की लोकेशन डाल दी, ईमेल आईडी डाल दी, सारे सोशल बटन्स डाल दिए, ट्रिप एडवाइजर से लेके जो इसको चेक करना है, जहां भी जाएगा अपना पूरा अपडेट चल रहा है, डेली उसमें कुछ ना कुछ पोस्ट डाल रहा है। यही सारा कंटेंट है और ये सेकंड पेज पे आ चुका है। अगर कोई, मैंने उस दिन भी आपको बोला था, यूट्यूबर कोई एक वीडियो बनाता है जिसपे 1 लाख व्यूज है और आप देखते हो मैं इससे अच्छी वीडियो बना सकता हूँ और आप बनाते हो और आपके पास देखना 1 लाख की जगह हो सकता है 5 लाख व्यूज आए अगर आपका कॉन्टेंट अच्छा है। सेम चीज वेबसाइट में, जो वेबसाइट ऑलरेडी रैंक कर रही है उनसे अच्छा कॉन्टेंट अगर आप बना रहे हो तो बहुत ही कम बैकलिंक्स में, बहुत ही कम मेहनत में आप ऊपर जाओगे। सचिन जी समझ में आया मैं क्या समझा रहा था जो? जी सर। अब यही चीज, अब आप देखिए मैंने आपको जोधपुर का पेज दिखाया, जैसलमेर का पेज भी इसी तरीके से बना हुआ है, सब में इंटरनल लिंकिंग की हुई है। ये जैसलमेर का आ गया, सेम चीज जैसलमेर में, जैसलमेर में अगर पहले ही जाएगा तो पहले क्या घूमेगा, जैसलमेर घूमेगा, तो जैसलमेर से रिलेटेड सारा कॉन्टेंट आ गया। जैसलमेर घूमने के बाद वो आगे घूमेगा, जैसे ये प्राइजेस आ गई, बुक नाउ का बटन आ गया, अब जैसलमेर में नियर बाय क्या क्या है वो सारी चीजें देखेगा। फिर उसके बाद वही पूरा ट्रैवल पीडिया जैसलमेर का, फिर उसके बाहर जाने का, जैसलमेर से उदयपुर जाएगा, अजमेर जाएगा, जहां भी जाएगा। सेम चीज अपन ने अभी जयपुर बीकानेर अजमेर रणथंभौर की है, पर इनमें अभी अपन ने पूरा कॉन्टेंट प्रॉपर नहीं डाला है, अभी पूरा कॉन्टेंट नहीं डाला है, पेजेस खाली पड़े हैं। तो भी आप देखोगे ये सेकेंड पेज पे रैंक कर रही है काफी सारे कीवर्ड्स पे। मैं स्टेप बाय स्टेप, फेज बाय फेज चल रहा हूँ इसको रैंक कराने में और इसमें अभी बुकिंग्स आने लग गई है। सचिन जी समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट? केवल सर एसईओ से बुकिंग आने लगी भी? ओनली फॉर एसईओ, ओनली फॉर एसईओ, अभी कुछ भी नहीं किया है। और मैं आपको इसकी, मतलब ये तो ठीक है, क्लाइंट मेरा ऐसा है कि इसकी पूरी प्लानिंग ही सारी मैंने की है, उसने कहा बस सर आप बनाओ, तो मैं अगर इसका मतलब वेब मेल भी चेक कर सकता हूँ कि कितनी बुकिंग्स आ रही है, क्या आ रहा है। ओनली फॉर ऑफ पेज एसईओ भी कर रहे का सर आप? हाँ ऑफ पेज भी मैं ही कर रहा हूँ। मतलब फिलहाल अभी आप कर रहे हो क्या? हाँ ऑफ पेज भी कर रहे हैं, मतलब डेली बेसिस पे कुछ कुछ हम एक्टिविटीज कर रहे हैं। सर एक महीने में एक पेज पे कितने बैकलिंक्स बनाने चाहिए जेन्युइनली? मैंने अभी आपको इतनी जोरदार कहानी सुनाई उसके बाद आप वापस ये पूछ रहे हो कि एक पेज पे कितने बैकलिंक्स बनाने चाहिए, मैंने क्या बताया विपिन जी बताइए? यूजर एक्सपीरियंस सबसे इम्पोर्टेंट है। यूजर एक्सपीरियंस और क्या इम्पोर्टेंट है? मैंने कहा था कॉन्टेंट, और कॉन्टेंट कैसा होना चाहिए, मतलब जो यूजर चाहता है उसको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन से प्रोवाइड करे और बहुत एक्यूरेसी के साथ प्रोवाइड करे और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, जो चीज जहां पे होनी चाहिए वहीं पे। आप देखो आपको कैसे मतलब फायदा होने लगेगा, आप
सोच नहीं सकते। बैकलिंक्स जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कहीं भी कि बैकलिंक्स जरूरी नहीं है। मुझे भी सर लग रहा है मुझे अपनी वेबसाइट का पूरा कंटेंट चेंज करना पड़ेगा सर। आप ये सोच के देखिए ना, आपने वेबसाइट बनाई, कंटेंट पे कोई फोकस नहीं करता, कहता है मेरी वेबसाइट तो बनी हुई है पर बिजनेस नहीं आ रहा। अरे भाई वेबसाइट पे, वेबसाइट कोई आप बात थोड़ी करोगे कि क्लाइंट आते ही आप बात कर रहे हो और उसको बता रहे हो मेरा ये बिजनेस है। वो तो आपने जो कंटेंट वो दे रखा है उसी से तो यूजर, आप सोचिए ना, उसी से तो यूजर इंटरेक्ट कर रहा है आपके बिजनेस से। और आपका कंटेंट ही सही नहीं होगा या उसमें एरर्स होंगे तो आप सोचिए कि आप क्या समझेंगे कि यार इतना अच्छा नहीं है ये, जो वेबसाइट ही अच्छी नहीं है तो हम क्या इसको बिजनेस दें। आप खुद सोच के देखिए, क्या ऐसी किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में बुकिंग देंगे जहाँ पे कंटेंट ही सही से प्लेस नहीं है और आप कहोगे कि यार इसको मैं 5,000 रुपए का ऑर्डर दूं? मुझे तो लग रहा है कोई ऑनलाइन फर्जी कंपनी होगी जिसने बना रखा होगा। आप सोच के देखिए, आप खुद क्या सोचेंगे। अब ये देखिए इसकी सारी बुकिंग्स आ रही है, इतने दिन से नॉर्दर्न इंडिया का टूर आया है, कॉस्ट ऑफ कार्स आई है, कैब सर्विस, कार बुकिंग डिटेल्स, इतने सारे इसके पास बुकिंग्स आ रहे हैं। इसने मुझे उस दिन फोन करके कॉन्ग्रेचुलेट बोला कि सर मेरे पास एक बुकिंग आ चुकी है बहुत अच्छी। मैंने कहा चलो बढ़िया है। लोकेशनल पेज बनाने से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ये मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आप बहुत अच्छे एरिया को टारगेट कर रहे हो तो हर एरिया के लोकेशनल पेज जरूर बना देने चाहिए। डिपेंड करता है, मैंने वही कहा ना, बिजनेस टू बिजनेस। खासतौर से टैक्सी सर्विस में जो है, क्या कहते हैं, अगर जिस शहर जितने टैक्सी सर्विस है तो टैक्सी सर्विस में मैं आपको कहूंगा कि अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है उसमें यही है कि लोकेशनल पेज बहुत इम्पोर्टेंट। सर मैं अपना जो मेरी वेबसाइट है वो होम ट्यूशन पे डिपेंडेंट है, जिसमें इस समय मैं काम कर रहा हूँ। Okay. तो उसमें जैसे हर शहर से हमें ट्यूशन को टारगेट करने या ट्यूटर को टारगेट करना है, तो जाहिर सी बात है सेम कैटेगरी में मुझे हर शहर का एक पेज बनाना ही बनाना है। हर शहर पे आपको पेज बनाना। अभी आप देखिए, इसने मेरे को कहा था जो इसका यूएस से बुकिंग आई है, उमेद भवन पैलेस, आप सर्च कर सकते हैं, मेरे हिसाब से वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा नाम है ताज लेक पैलेस। जो क्लाइंट जिसकी यूएस से बुकिंग आई है, उन्होंने बेसिकली रिव्यूज और वो सारी चीजें देखी, उसके बेसिस पे इनको बुकिंग दी है। सर एक बार मेरी वेबसाइट में सजेशन देंगे सर आप? वो देखनी पड़ेगी निश्चित जी, एनालाइज करनी पड़ेगी पूरी। ऐसे बस जस्ट देख के सर जो आपको बेटर लगे बिल्कुल देख सकते हैं। क्या नाम है आपकी वेबसाइट का? ट्यूटर्स। TUTORS ट्यूटर्स। TUTORS ग्रुप। ग्रुप .co.in .co.in Find best home tutor. तो आप देखिए अभी तक पेज लोड नहीं हुआ है। सर वैसे इसकी स्पीड अच्छी है, नेट की वजह से स्लो चल रही होगी। चलो हो सकता है तो मैं एक बार अपने फोन में भी चेक कर लूंगा। Find a tuition job, find a best tutor, find a tuition job in Lucknow. Okay, ये कौन सी लोकेशन में वैसे ही आप काम कर रहे हैं? यूपी में सर, उत्तर प्रदेश। Oh wow. लखनऊ, आगरा और लखनऊ की यूपी के मेजर लोकेशन पे भी काम कर रहा हूं। अब आप देखेंगे इसमें कितने पेजेस बने हुए तो साइड में है, देखिए आपको दिख जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, 15-20 पेज मैंने बस जैसे जस्ट डिजाइन करे। चलो सही है, अभी इसमें बहुत काम बाकी है निशित जी, मतलब बहुत ज्यादा काम बाकी है अभी। फाइंड बेस्ट होम ट्यूटर, अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है। चलो एक ही पेज देख लेते हैं अपन, होम ट्यूटर्स फॉर। आपका जो ट्यूशन वाला बिजनेस है, मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगा कि कुछ लोकेशनल पेजेस बनाइए। इसीलिए मैंने पूछा सर, लोकेशनल पेजेस भी बना लूं मैं जो है। नहीं निश्चित जी, अब ये देखो इतना छोटा लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं सोचता 4 लाइनें बड़े फॉन्ट में लिखी हुई हो तो मैं उसको पढ़ता भी। अभी लॉट ऑफ लर्निंग हैपेंस इन किंडरगार्टन, इतना पढ़ने के बाद ही मुझे लगेगा कि यार इतना ज्यादा। ये तो मैंने कहा सर आपकी बात से मुझे कंटेंट पूरा चेंज करना है वेबसाइट का। मैंने बहुत सारी अभी अभी निशित जी थोड़े दिन रुकिए, ऑन पेज कंप्लीट होगा आप पूरी वेबसाइट चेंज नहीं कर दें। तो ये पार्ट कैसा लगा आपको वाला जो मैंने अभी आपसे शेयर किया, इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस और यूजर का स्पेंड टाइम इंक्रीज करने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इस पे फोकस कर लिया तो मतलब आपको
बैकलिंक्स पे फोकस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जरूरत है, लेकिन एक होता है ना, एक लोग बना रहे 1000 बैकलिंक्स तब जाके वेबसाइट रैंक कर रही है, आप 100 बनाओ 100 में भी आपकी वेबसाइट रैंक करेगी, क्योंकि 100 बनाने पे, एक होता है 1000 बैकलिंक बनाए 100 यूजर आए, 100 यूजर का यूजर एक्सपीरियंस गूगल ने रिकॉर्ड किया, 100 में से 20 लोग सेटिस्फाइड हुए, तो अब रेशियो क्या रह गया, 20% लोग सेटिस्फाइड है। एक आपने 100 बैकलिंक बनाए लेकिन कंटेंट पे इतना अच्छे से फोकस किया कि यूजर आए 100 में से, मैं कह रहा हूँ 100 यूजर आए वापस, अब इसमें भी 100 यूजर आए, लेकिन 80% यूजर्स का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा रहा दूसरी कैटेगरी की वेबसाइट से, और उसके बाद उन्होंने वापस उस कीवर्ड पे सर्च नहीं किया, मतलब उसका उस वेबसाइट पे काम हो गया, उसने या तो अपनी ईमेल आईडी छोड़ी या कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक किया, कुछ तो किया और गूगल ने वो रिकॉर्ड कर लिया। अब आप देखिए, पहली वाली वेबसाइट जिसमें आपने 1000 बैकलिंक्स बनाए, कितना रेशियो रहा, 20%, और इस पे रहा 80%। अब गूगल कौन सी वाली को प्रायोरिटी देगा, विपिन जी बताइए, जो 100 लिंक्स थे सर, 100, मैं कह रहा हूँ एक था जिसमें 100 लोग आए लेकिन 20% का सेटिस्फाइड, 20 लोग सेटिस्फाइड हुए, मतलब 20% रेशियो रहा, एक आया जिसमें 100 आए लेकिन 80% सेटिस्फाइड थे, मतलब 80% सेटिस्फेक्शन रेशियो रहा, तो गूगल कौन सी वाली वेबसाइट को ऊपर दिखाएगा, 80%। डेफिनेटली वही चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपका कॉन्टेंट इस तरह का होना चाहिए। इंटरनल लिंकिंग हम क्यों करते हैं, एक चीज रीड करते करते अगर उसे और कोई चीज क्लिक कर रही है तो वो उस पर जाए, सिंपल सी बात है। सचिन जी एक पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पंकज सर ये सारे पॉइंट तो सर क्लियर हो रहा सर, लेकिन प्रॉब्लम है सर कि सारे चीजें सर बाउंस अप करने लगा सर, समझ में नहीं आ रहा कि ऑन पेज ऑफ पेज, अभी मैं ऑन पेज की ही बात कर रहा हूँ, मैंने ऑफ पेज की बात अभी स्टार्ट ही नहीं, मैं वहां तक लेने जा रहा हूँ सर, मतलब इससे पहले ना ऑन सैटरडे तक ले सारे चीज क्लियर था सर, लेकिन आज पता नहीं क्यों सर ऐसा लग रहा है कि बाउंस कर रहा। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एक चीज और पूरी टीम को सजेस्ट करता हूँ जी, अभी तक का जितना भी मैंने पढ़ाया है, जितना भी पूरा ये सारा का सारा, मैं कल एक आधे घंटे का रिकैप लूंगा पूरा, और मैं उसको प्रैक्टिकली रिलेट करके बताऊंगा कहां से क्या पढ़ाया कैसे पढ़ाया, तो आपके लिए वापस एक रिकैप हो जाएगा। मुझे लग रहा है ये वीकेंड में कुछ ज्यादा पार्टी हो गई, इस चक्कर में भी शायद नहीं, कोई बात नहीं, मैं कल एक रिकैप लूंगा, उस रिकैप में ये होगा कि आपको मैं सारे पॉइंट्स अभी तक के बताऊंगा कि अभी हमने ऑन पेज में ये पॉइंट्स पढ़े और इसका वेबसाइट से ये रिलेशन है, उस रिलेशन को आप कल समझ लेना, उसके बाद मैं आपको आगे की स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि आगे ऑन पेज में हम 4 या 5 पॉइंट्स और जो पढ़ने वाले हैं वो। जब ये सारा ऑन पेज का स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा नेक्स्ट 2 दिन में मैक्सिमम मेरे हिसाब से, इतने में मेरी ये वेबसाइट का एक पेज रेडी हो जाएगा, और इसके वेबसाइट के एक पेज पे हम ये सारे इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली करेंगे, तो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको प्रैक्टिकली 2 दिन में करवा भी दूंगा, तो मेरे हिसाब से उससे बेस्ट कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकल लर्निंग भी हो जाएगी और साथ साथ ये है कि कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल हरियन जी आपको क्या लगता है, ये आइडिया कैसा है? नहीं सर बढ़िया आइडिया है सर। सचिन जी? जी सर बिल्कुल बढ़िया सर। अंश आपको क्या लगा? बढ़िया है सर बढ़िया। ओके चलो तो फिर हम कल इसको पूरा मैं एक रिकैप लूंगा 30 मिनट्स का, और उसके बाद फिर मैं आगे का एक मतलब पॉइंट डिस्कस करूंगा। हेमा जी आप कहाँ थी इतने दिन? हेलो हेलो यस हेमा जी कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं सर, आप कैसे हैं? बस ऑल गुड। आप इतने दिन थी नहीं तो आपने कुछ वापस लास्ट फ्राइडे सेशन ही नहीं थी, बाकी तो मैं थी। ओके ओके तो आपने वो वीडियो देखा जो ग्रुप पे शेयर हुआ था? यस सर मैंने वीडियो देखा था जो लास्ट सेशन का था, और मैंने एक्चुअली लास्ट 30 मिनट्स की देखी है, उसमें आपने एक्चुअली बताया था कि गूगल कैसे मतलब सर्च इंजन कैसे वर्क करता है। ओके 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 मेरा एक डाउट है सर उसमें। बिल्कुल बताइए। एक्चुअली आपने तो बताया जो आपने क्रॉलिंग बताया प्रॉपर प्रोसेस बताया वो तो मुझे समझ आ गया, ठीक है सर, बट हमारी वेबसाइट पे जो क्रॉलर रहता है वो तो सेकंड टाइम विजिट करता है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो वो इंडेक्सिंग नहीं करता है जाकर पहले तो। नहीं क्रॉलर हेमा जी ऐसा है कि उसका एक क्रॉल बजट होता है, हर क्रॉलर का क्रॉल बजट होता है,
जिसमें वो आपकी वेबसाइट एवरी वीक या मतलब एक टाइम आप डिसाइड करते हो, उस टाइम के हिसाब से वो क्रॉल करता रहता है। जैसे अगर आपने डाला कि मेरा कंटेंट एवरी वीक अपडेट होता है, तो वो हर हफ्ते एक बार क्रॉल करके जाएगा आपकी वेबसाइट को। अगर आप डाल मैं ये कह रहा था कि अगर आप बोलेंगे मेरी वेबसाइट मंथली उसमें कंटेंट अपडेट होता है, तो फिर क्रॉलर अपने हिसाब से उसको क्रॉल करके जाएगा। रही बात इंडेक्सिंग की, तो क्रॉलर अपने आप ही आपके पेजेस को इंडेक्स कर लेता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको लग रहा है आपके पेज इंडेक्स नहीं हुए, तो उसके लिए एक टूल है जिसको हम कहते हैं सर्च कंसोल, जो मैं आगे कवर कराऊंगा। हाँ, वेब मास्टर। उस सर्च कंसोल में आप चेक कर सकते हैं पेज इंडेक्स हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो आप उसमें मैनुअली इंडेक्स भी कर सकते हैं। अगर मैनुअली इंडेक्स नहीं हो रहा है, तो वो उसमें डेफिनेटली आपको ये भी बताएगा कि ये कोई एरर है, इस एरर के चक्कर में वो इंडेक्स नहीं कर रहा है। तो वो सारा का सारा लॉजिक आपका क्लियर हो जाएगा जब अपन सर्च कंसोल कंप्लीट करेंगे। बट मोटा मोटा मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया है कि क्रॉलर आता है, उसके बाद आपके पेजेस इंडेक्स करता है, फिर आप नया कॉन्टेंट डालते हो, तो सेकेंड टाइम जब भी क्रॉलर आएगा वो क्रॉल करके आपके पेजेस को इंडेक्स करेगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम तो सर वो हमारी वेबसाइट के कोड को रीड करता है ना, वेबसाइट के कोड को रीड करेगा। यस ऑफ कोर्स एचटीएमएल इन्हीं सब चीजों को रीड करेगा। एंड सेकंड टाइम वो वन बाय वन मेरे बाय स्टेप वन को पूरे चेक करेगा मेरी वेबसाइट के कंटेंट को। अगर आपकी वेबसाइट बड़ी है तो क्रॉलर का एक क्रॉल बजट होता है कि मेरे को एक वेबसाइट में इतना ही टाइम देना है, तो वो अपने आप उतने मतलब इनिशियल जैसे 2 या 3 पेज या 5 पेज या 10 पेज क्रॉल करके ले जाएगा, उनको इंडेक्स करेगा। फिर नेक्स्ट टाइम आएगा तो उसको पता होगा कि मैंने इतने पेजेस तो ऑलरेडी क्रॉल कर लिया था, वो आगे के क्रॉल करेगा। ऐसे ऐसे वो कंटिन्यूस चलता रहेगा और इंडेक्सिंग करता रहेगा। ठीक है सर। ये मेरे सर्च कंसोल में एक एरर आ रही है ब्रेड क्रम्स टर्म्स है, तो ये कैसे रिजॉल्व होगा? मैं ये सब पता है क्या, अगर हम ऐसे टॉपिक में सर्च कंसोल वैसे समझाना है मेरे को, बट मेरे को आप 2 दिन दीजिए। मैं चाहता हूँ पहले आपका ऑन पेज कंप्लीट हो। ओके, ऑन पेज अगर आपका कंप्लीट हो जाएगा तभी आप सर्च कंसोल के एरर्स को देख पाएंगे। तो एक बार आप ऑन पेज कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद अपन सर्च कंसोल पे ही आने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्लियर हो जाएगा। कल हाँ सर, कल का टॉपिक सर आज ही बता दीजिए, क्योंकि सर लोग सर पूछते हैं तो सर वो बाउंस होने लगता है। सर हम अपने टॉपिक सही रहे तो सर वही सही रहेगा। कल का टॉपिक जो मैंने तो एक्चुअली प्लान ये किया था कि जैसे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, ये इमेज जो बाकी रहा है वो मैं कराऊंगा, लेकिन काफी टीम को जैसे प्रॉब्लम हो रही है कि कुछ कुछ जैसे उनको लास्ट का याद नहीं रहा, तो मैं चाह रहा हूँ कि 30 मिनट्स का कल मैं एक रिकैप लूंगा, और बाकी जो है वो नेक्स्ट में जो ये वाले टॉपिक आपके पेंडिंग है इनको मैं कम्प्लीट करूंगा। फिर कल चाहे या तो 10:15 भी बज जाए तो अपन उसको 10:15 तक ले लेंगे। ठीक है सर। अब सर जो अभी हमारे डाउट्स होंगे सो सर हम पर्टिकुलर टॉपिक इसी पे लेके आएंगे, क्योंकि सर अलग अलग टॉपिक्स पे सर लेके आएंगे तो सर कंफ्यूजन होगा, आप सबको ही कंफ्यूजन होगा, मेरे को तो एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, आज कंफ्यूजन में ही रहा मैं सर पूरा, तो समझ में सर। चलो आप कंफ्यूजन जो भी कंफ्यूजन था उसको एक बार नोट करके, अगर आप चाहें तो एसईओ मतलब कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उस ग्रुप पे भी डाल सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उसे सॉल्व करने की, नहीं तो सेम डे जो क्लास होगी उस क्लास में मैं सॉल्व कर लूंगा। हेलो, हाँ हेमा जी बताइए। सर दिस इज हरप्रीत। ओके हाय हरप्रीत। सर जैसे लाइक आई एम नॉट प्लानिंग अ बिजनेस राइट नाउ, ओके, सो मैं अपनी प्रेजेंटली अभी ब्लॉगिंग की साइट ही बनाने का प्लान कर रही हूँ। ओके, तो फॉर दैट आल्सो आई हैव टू गो डू एवरीथिंग लाइक दिस ओनली, और इट विल बी जस्ट लाइक इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है ब्लॉगिंग में? हरप्रीत जी, इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक टाइम पे जब आपका एक बार ब्लॉग सेटअप हो गया, एक आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई कि हाँ आप अब 1-2-3 ब्लॉग पोस्ट करने जा रहे हैं या कर रहे हैं कंटिन्यूस, तो उसके बाद आप खुद इतना सब कुछ करेंगे, क्योंकि जब आपके पास 1000 लोगों का ट्रैफिक आएगा ना हरप्रीत जी, देन यू वुड बी प्लानिंग कि अब मेरे पास 5000 लोगों का ट्रैफिक कैसे आए, तब आप डेफिनेटली इन सब चीजों को यूज करके ही ला सकते हैं, तो तब आप करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन कॉन्सेप्ट्स को लर्न करते जाइए, साथ साथ आपका जो ब्लॉग का टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और इमेज है, ये ऑप्टिमाइजेशन पे अच्छे से फोकस कीजिए, और ये इन पार्ट्स पे फोकस कीजिए कि क्रॉलिंग कैसे इम्प्रूव की जाए,
वो मैं बताऊंगा आगे कैसे इम्प्रूव करनी है, लेकिन अभी आपको क्रॉलिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एटलीस्ट गूगल क्रॉल तो करे, एटलीस्ट 4 यूजर 5 यूजर 10 यूजर तो आए मेरे ब्लॉग पे, अभी आपका वो फोकस है। ये है बाद में आपका, जैसे एक बार आपका एक 10-15-20 ब्लॉग्स का पूरा नेटवर्क मतलब वो पूरा सेटअप हो जाएगा और आप आगे से आगे पोस्ट करेंगे ब्लॉग, तब आप इंटरनल लिंकिंग और लिंक स्ट्रक्चर पे फोकस कर सकते हैं कि अब मैं कौन से ब्लॉग को कैसे इंटरनल लिंक करूं। जैसे अगर सपोज आपने फूड से रिलेटेड ब्लॉग बनाया, एक एग्जांपल है, पूरी टीम भी सुन सकती है, सपोज जैसे मैंने फूड से रिलेटेड ब्लॉग बनाया, अब मैं एक ब्लॉग में लिखा मैंने कि एक पर्टिकुलर बिरयानी से रिलेटेड पूरा ब्लॉग, अब मैंने बिरयानी से रिलेटेड लिखा तो नीचे जाके एंड में यूजर को क्या मिलना चाहिए वो आप इंटरनल लिंकिंग में प्लान कर सकते हैं कि यार बिरयानी के साथ अगर मेरी वेज बिरयानी है, क्या पता यूजर को रायता पसंद हो, तो मैं नीचे 2-4 रायता प्रिपेयर करने के लिंक्स बना सकती हूँ कि मिंट रायता कैसे बनेगा और लेट्स से वेज रायता कैसे बनेगा। तो जब वो यूजर एंड में आएगा तो एंड में कहेगा यार रायता भी बनाना, चलो इसी वेबसाइट पे मैं वो भी देख लेता हूँ। अब वो देखने के लिए आपकी वेबसाइट पे यूजर का टाइम बढ़ेगा जी, और इसी के साथ यूजर का जब टाइम बढ़ेगा तो यूजर एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव हो रहा है कि उसको एक चीज के बाद दूसरी चीज वहीं पे मिल रही है, उसको सोचने से पहले मिल रही है कि यार आप ऐसा सोच सकते हैं, तो उसके लिए वो आपका उस मतलब यूजर का आपके ब्लॉग के प्रति एक मतलब वो भी बढ़ेगा सेटिस्फेक्शन कि हाँ इस ब्लॉग में मुझे सब कुछ मिल रहा है। ये एक एग्जाम्पल था, ऐसे डिफरेंट आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो। तो वो पार्ट हो गया इंटरनल लिंकिंग का। अभी आपके ब्लॉग में सारे ब्लॉग्स लगे हुए हैं लेकिन इंटरनली कोई लिंक नहीं है, लेकिन अगर सेम कॉन्टेंट से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ कॉन्टेंट से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली आप फ्यूचर में उन्हें इंटरनल लिंक करके अपनी वेबसाइट का टाइम बढ़ा सकते हैं। सर तो इनिशियली टू स्टार्ट विद हम एक दो एक ब्लॉग से स्टार्ट कीजिए, इनिशियली अभी एक ब्लॉग से स्टार्ट कीजिए और एक ब्लॉग और एक्स्ट्रा नहीं जरूरत है कि धीरे-धीरे डाल सकते हैं, धीरे-धीरे डालिए। अभी आप एक ब्लॉग से स्टार्ट कीजिए, उसके टाइटल डिस्क्रिप्शन और इमेज को ऑप्टिमाइज कीजिए, एटलीस्ट इन तीन चीजों को ऑप्टिमाइज कीजिए और फिर उसके बाद दूसरा डालिए, फिर तीसरा डालिए, फिर आगे से आगे और चीजों को भी ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो एवरीवन आई होप आज का टॉपिक कुछ क्लियर रहा होगा। कल फिर हम इसको वापस एक रीकैप ले लेंगे और विद रीकैप हम क्या करेंगे कि आगे के जो पॉइंट्स है वो भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ओके एवरीवन, अंश मिसेस जी एवरीवन गुड नाइट। Okay, bye-bye. Good night. Bye. Good night.